What's up, guys? I just came back from my first ever protest in my life. It was for Black Lives Matter, of course, and I happened to convince my mom to come with me, which was a really exciting time for both of us. She was terrified. I didn't know what to expect, and I thought it was worthwhile to share her thoughts on the whole protest and her experiences with you guys. So here it is. Boys, girls, aur aise the ki jo log bade aur educated hai, wo log nahi aate hai is cheez ko karne ke liye. The girl that came, she was 15. जो प्रोफेशनल है, जो लोग है, मतलब लॉयर, डॉक्टर और इस तरीके के लोग और वो सभी जो भी अच्छे उस प्रोफेशन में है, पर वो लोग कोई भी नहीं आते. उनको है कि हाँ, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, सेफ है, बहुत बढ़िया है. ये मेरे को सबसे बड़ी बात लगी कि ऐसी चीजों में लोग, मतलब हाँ, मेरे को बहुत एजुकेटेड और बहुत वो समझते हैं, इसलिए कि हम सेफ है, घर में है, इसलिए वो कहते हैं ओके, हम वी आर स्मार्ट क्योंकि हम घर में सेफ हैं. दोनों को आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और क्या अच्छी चीज के लिए. और सबसे इम्पैक्टफुल चीज आपने आज क्या देखी? इम्पैक्टफुल तो ये तो अपने आप में एक एक्सपीरियंस ही था कि जो चीज टीवी पे देख रहे हैं इतना स्केरी और वो सब भी, उसका वहाँ पे जाके पार्ट बनना कि ओके वहाँ पर है. बट इट वॉज नॉट टू बैड एक्चुअली. मैं तो अपना लकी चार्म अपने साथ लेके गई थी. और जो टीवी पे दिखा रहे हैं वर्सेस आपने जो आज देखा था, वो उसका क्या था डिफरेंस, ये क्या था? मतलब टीवी पे ज्यादा स्केरी लगता है और वहाँ पे जाके जाके तो बिल्कुल भी स्केरी ऐसे था कि क्योंकि वी आर सराउंडेड विद द पुलिस फोर्स, लाइक पुलिस लोगों से डर रही थी. ये नहीं कि वहाँ पे ब्लैक लोग थे इसलिए डर रही थी. पुलिस वालों से डर रहे थे और चारों तरफ पुलिस और ऊपर हेलीकॉप्टर. मतलब ये पहली बार है क्या कि आप पुलिस से डरी हो? हैं? और यस, फर्स्ट टाइम. और पुलिस का क्या लगा आपको कि वो वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आई हैं, किस लिए आई हैं? नहीं, वो तो लग रहा था कि बस जैसे मौका ढूंढ रहे हैं हम पे अटैक करने के लिए. हम लोग क्रिमिनल्स थे वहाँ पे उनके लिए. और आपको ये लगा कि वो रिस्पेक्टफुल थे या कुछ? क्या रिस्पेक्टफुल थे पुलिस ऑफिसर्स? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल.